देखिए आज जो मुख्य कारण है, जिस प्रकार व्हीकल एक्ट के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, उसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन है। क्योंकि कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त के हम विरोध में नहीं है। कानून सख्त होगा तो हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है कि जिस प्रकार आज रोड पे भी कई लोग गलत चलाते हैं, मगर उसके नाम पर इतना लूटा जाना, ठगा जाना, लाख लाख रुपए के चालान भेज देना, वो कहाँ तक सही है? सरकार कानून बनाए, एक ऐसा ठोस कानून बनाए जिसमें एक ही चालान हो, जो मोटा चालान हो, जिस प्रकार देखा जाए अगर उसने ड्रिंक की हुई है तो उसका सबसे बड़ा चालान हो, उसके बाद जो लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के पुलिस, इस प्रकार के होने चाहिए। जब आप देखिए आपराधिक मामला भी होता है, कोर्ट कहती है ये सजा मिली है, इसके साथ साथ बाकी जो उसके बाद चार पांच मामले होते हैं, एक ही सजा चलेगी, साथ साथ सजा चलेगी, मगर इस प्रकार ये कानून को बांट दिया गया है जिसपे लोगों को लाखों रुपए का जो जुर्माने लग रहे हैं, लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। इससे लगता है सरकार की आँख खुली नहीं है। हम सरकार की आँख खोलने आए हैं कि सरकार इस कानून को सख्त बनाए, मगर इतना सख्त मत बनाए, पैसे के दम पे सख्त मत बनाए। हमें ये कानून को चेंज करना चाहिए, अगर चेंज नहीं किया तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं, सभी प्रकार के लोग, सारी महिलाएं सब कुछ अपने घर छोड़ के आ गई हैं कि उनके घर के खर्चे तक, बजट तक बिगड़ रहा है। तो इसको लेकर आज हमारा प्रदर्शन है, हम सरकार से मांग करने आए हैं इस कानून को सही करें, वरना यह हमारा विरोध जारी रहेगा। लेकिन ट्रैफिक वालों की साइड से कहना है कि ये एक्सीडेंट रोकना और ये ट्रैफिक वाले बदसलूकी ना करें, इस चीज को देखते हुए भी ये कुछ देखिए ट्रैफिक वाले, पहले आप बताएं कितनी सड़कों के गड्ढे भर गए हैं, कितनी सड़कें रेड लाइट ठीक हो गई हैं। आज ट्रैफिक पुलिस का कहीं पर भी बंदा चौक पे खड़ा हो, किसकी क्या हिम्मत है ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी बढ़ाए जाएं, मगर आप ऐसे लाखों रुपए के चालान करके क्या साबित करना चाहते हो? ये इससे तो क्राइम बढ़ेगा, इससे तो झगड़े बढ़ेंगे, इससे तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लोग मार कुटाई पर आ जाएंगे। तो ये क्या चीज चाहती है सरकार? ये चीज चाहती है पुलिस? नहीं, हम ये चीज नहीं चाहते। हम कानून का डर चाहते हैं, मगर कानून को अपने ऊपर इतना हैवी नहीं होने देना चाहते कि जिस पे हमारी जिंदगी पर भी खिलवाड़ कर जाए और हमारे जो लोग हैं वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाए, अपनी गाड़ियों आग लगाने पे मजबूर हो जाए।